मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ ऑनलाइन क्लास. टुडे सब्जेक्ट इज़ मैथ्स एंड टुडे इज़ एक्सरसाइज 6B. ओके, 6B का अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे. यहाँ दिया हुआ है -5u + -11 + 3 + 17. इस तरह से दिया हुआ है. ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16, यानी -16. -16 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर क्या है, बिगर नंबर इज माइनस. इसलिए बड़ा नंबर माइनस है, इसलिए क्या आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा. प्लस नेक्स्ट 17 + 3 कितना हो जाएगा, 20. तो 20 क्या है, प्लस है. ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, प्लस सिंबल आगे लेंगे. 20 - 16, ये देखो माइनस और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. 20 - 16 = कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 में से 16 गए तो 4 बचेंगे, तो 4 क्या आएगा, प्लस आएगा. मीन्स आंसर क्या आया, 4. ओके, इस तरह से. नेक्स्ट एग्जांपल 35 + -1 + -64 - 8 ऐसा क्वेश्चन है आपका. तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये हो गया 35. ओके, 35 प्लस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला तो यहाँ पे हो जाएगा -73. ओके, तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस को आगे लाएंगे. -73 - 35. ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 73 में से 35 गए तो 38 बचते हैं. ओके, तो माइनस क्या हो जाएगा, 38. इसको ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके, तो फिर ब्रैकेट निकाल दिया, तो यहाँ हो जाएगा -38. इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दोनों भी इसी तरह से सॉल्व करना है आपको. फिर अब नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ. नेक्स्ट इज 40 + -33 + -67 + 65. इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है. ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे ब्रैकेट में 40 + -33 + -67 + 65. ओके, तो देन 40 + +65 देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है और ये माइनस माइनस एक जगह लाएंगे. ओके, ये हो गया -33 + -67. मैंने क्या किया, जो प्लस प्लस नंबर है वो एक जगह किया है और माइनस माइनस नंबर क्या हो गया, एक जगह किया है. अब देखो इसको 65 + 40 मीन्स क्या हो जाएगा, अपन ने 40 से ये किया तो यहाँ हो जाएगा 105. ओके, प्लस माइनस 100, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. ओके, तो ये 33 + 67 बोले तो 100 हो जाएगी. तब यहाँ पे आंसर्स में लिखेंगे, ये प्लस है, प्लस 105, और ये माइनस क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है. तो क्या आ जाएगा, 105 में से 100 गए तो प्लस 5 बचेंगे, क्योंकि प्लस 5 क्यों बचेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, बिगर नंबर इज प्लस और स्मॉलर नंबर इज माइनस. ओके, पर यह माइनस हो जाएगा, 105 में से 100 जाएंगे तो क्या बचेंगे, प्लस 5. मीन्स आंसर इज 5. ओके, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है.